हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है ऑब्जेक्टिव लाए हैं क्लास टेंथ का जो है साइंस में का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में का पहला चैप्टर है जैव प्रकरण, उसमें से जो है हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वसा का पाचन करता है तो कौन करता है वसा का पाचन, तो जो सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। लाइपेज, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, तो इसका 44 का जो है हो जाएगा बी नंबर सही, भौतिक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो इसका जो है हो जाएगा बी नंबर क्लोरोप्लास्ट। परिशेषी का हिस्सा है, ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा ए नंबर। किण्वन क्रिया करती है तो इसका हो जाएगा बी ईस्ट में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है तो इसका जो है डी नंबर इनियम में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, तो इसमें जो है 51 का जो है हो जाएगा आपका सी नंबर सही, ठीक है। और ये वाला जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है तो इसका जो है यकृत से होता है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है तो इसका जो है भीतरी, ठीक है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब है तो इसका जो हो जाएगा 120/80। तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है तो इसका जो है हो जाएगा 55 का जो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो इसका जो हो जाएगा सी नंबर उत्सर्जन में, ठीक है। चलिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो इसका हो जाएगा ए नंबर सही। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सही, ठीक है। चलिए, इसका जो है आपका जो सही हो जाएगा बी नंबर। और स्वपोषण होता है तो हरे पौधे में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,